हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर मिस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम एजूर के अंदर कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि हम एक कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कैसे करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में ये हमारा उसी से रिलेटेड है। उसमें क्या करेंगे, हम एक कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम इनबाउंड और आउटबाउंड रूल अलाउ करेंगे और एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। हम विंडोज सर्वर के साथ कर लो या लिनक्स के साथ कर लो, जिसके साथ भी आपको करना, और उसको हम वो जो सिक्योरिटी ग्रुप कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप हम क्रिएट करेंगे, उस सिक्योरिटी ग्रुप को हम अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो सब कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं नोटपैड में नोट कर लेता हूँ स्टेप क्या क्या होंगे हमारे। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा आपका क्रिएट वर्चुअल मशीन विद कस्टम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। जो हम कस्टम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कस्टम नेटवर्क। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने एजुर कंट्रोल पे चलते हैं। मैं यहाँ पे एजूर पे लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने बुकमार्क किया हुआ है और मैंने अपने एजूर कंसोल पे ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है अपना अकाउंट, तो ये मुझसे यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमें एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। तो आपने अगर रिसेंटली कभी उसकी प्रैक्टिकल की है तो आपको वो एजूर सर्विसेज के अंदर रिसेंटली आइटम में दिखा देगा, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अगर यहाँ नहीं दिखा रहा तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन करेगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की, जहाँ पे आपको आपके अगर पहले कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं तो वो आपको दिखा देगा, अगर नहीं है तो आपको क्रिएट करने हैं तो आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। तो मेरे पास अभी कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है कस्टम, यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एक कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मेरी सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। नीचे सिक्योरिटी रिसोर्स ग्रुप पूछता है आपको कि आप किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो आपका ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो वो किस में करना है आपको। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे नाम डालता हूँ डेमो NSG, डेमो NSG मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, अब जो हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कर रहे हैं, नाम क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम क्या रखना है आपको, तो मैं यहाँ पे NSG दे देता हूँ, मैं सिर्फ NSG, ठीक है। लोकेशन किस रीजन के अंदर आपको ये क्रिएट करना है, मैं ईस्ट US ले लेता हूँ, आप चाहे जो मर्जी ले लो प्रैक्टिकल करने के लिए, या अगर आपने ऑफिशियली करना है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। मैं रिव्यू करता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ। रिव्यू में जो हमने डिटेल्स डाली हैं, अगर वो वैलिडेशन पास करता है तो उसके बाद हम क्रिएट कर सकते हैं, अगर वो वैलिडेशन में कुछ एरर देता है तो आपको यहीं पे एरर शो कर देगा और आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, आपको कुछ वो चेंज करना पड़ेगा जो एरर शो करेगा आपको, ठीक है। मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। देखिए अभी ये क्रिएट हो रहा है, आप राइट साइड कॉर्नर पे भी चेक कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने में। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे राइट साइड में आपको कॉर्नर पे दिखा भी रहा है डिप्लॉयमेंट सक्सेस, मतलब आपका जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है वो क्रिएट हो गया है। तो आप यहाँ पे गो टू रिसोर्स कर दीजिए या फिर आप यहाँ से गो टू रिसोर्स कर दीजिए। अगर आपको डैशबोर्ड पे पिन करना है तो आप यहीं से पिन भी कर सकते हो, पिन टू डैशबोर्ड, ठीक है। मैं गो टू रिसोर्स करता हूँ। अब देखिए ये मेरे जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया है ये उसकी डिटेल्स हैं। रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या था, डेमो NSG, लोकेशन कहाँ पे लिया है, सब्सक्रिप्शन। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, कस्टम सिक्योरिटी रूल इनबाउंड में भी 0 दिखा रहा है और आउटबाउंड में भी 0 दिखा रहा है, कि आपका मतलब इनबाउंड भी कोई रूल अलाउ नहीं कर रखा, कोई डिनाई नहीं कर रखा आपने, जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वही है, ठीक है। एसोसिएटेड विद किसी भी सबनेट के साथ एसोसिएट नहीं है, किसी भी नेटवर्क के साथ एसोसिएट नहीं है, ठीक है।
तो आपको अगर ये किसी सबनेट के साथ एसोसिएट करवाना है तो आप वो करवा सकते हो, अगर आपको किसी नेटवर्क के साथ एसोसिएट करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो नेटवर्क इंटरफेस के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस के साथ इसको एसोसिएट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर चेक करना आपके इनबाउंड रूल्स, यहाँ पे देखिए आपको 65,500 ये आपको डिनाई दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आउटबाउंड में भी आपको 65,500 डिनाई दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप था वर्चुअल मशीन क्रिएट करना। तो मैं क्या करता हूँ, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मेरे पास कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, यहाँ पे इसको वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप सेम ले लेता हूँ, आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, नया क्रिएट करना है तो आप नया क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं डेमो NSGVM। ठीक है, वर्चुअल मशीन ईस्ट US में ही है, अवेलेबिलिटी ऑप्शन मुझे अभी रखना नहीं है। यहाँ पे विंडोज ले लेता हूँ, विंडो 10 प्रो ले लेता हूँ, क्योंकि हमें इसे पोर्ट अलाउ करके चेक करना है कि वो काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, आप कोई भी OS ले लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि मैंने विंडो 10 लिया तो आप भी विंडो 10 लेके करिए। आप सर्वर ले सकते हो, लिनक्स ले सकते हो, उबंटू ले सकते हो, सिंटोस ले सकते हो, वो आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं यूजर नेम सेट करना, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम सेट कर देता हूँ एडमिन, पासवर्ड स्टडी मैंने यूजर नेम डाला है। यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए बोल रहे, पासवर्ड आपको यहाँ पे देखिए नीचे दिखा रहा है 12 to 123 करेक्टर होंगे आपके। पासवर्ड मस्ट हैव थ्री ऑफ द फॉलोइंग, वन लोअर केस करेक्टर, वन अपर केस करेक्टर, वन नंबर एंड वन स्पेशल करेक्टर। तो आपको ये ध्यान रखना होगा जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हो। तो अभी भी देखिए आपको यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, ये रेड कलर यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे साइज चेंज करना है तो आप यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हो, अगर नहीं करना है डिफॉल्ट साइज लेना है। ये दो साइज आते हैं आपको, ये फ्री दिखाता है आपको कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, बट ये रियल में फ्री नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए आपको फ्री मिलते हैं जब आपकी सब्सक्रिप्शन मिली होती है फ्री वाली। बट मुझे ऑलरेडी, मैं पेड सर्विस यूज कर रहा हूँ, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, मैंने ली हुई है। तो यहाँ पे सबसे लो चार्जेस है इसका, तो मैं ये लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे पोर्ट अलाउ कौन सा करना है, मुझे सिर्फ RDP पोर्ट अलाउ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर लाइसेंस इनेबल कर देता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। प्रीमियम की जगह पे मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड SSD ले लेता हूँ, आप चाहे जो अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ले ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ स्टैंडर्ड SSD, SSD और प्रीमियम SSD में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस आता है, और साथ जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी तो वहाँ पे आपको प्राइस भी हाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे SSD है जो वो मीडियम है, प्रीमियम SSD जो वो थोड़ा हाई है। ठीक है, उसके बाद आपकी डिटेल्स आती है यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड। अब यहाँ पे पूछता आपको निक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप मुझे यहाँ पे, मैं अभी कोई नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ नहीं, इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हो बेसिक एडवांस। ठीक है, एडवांस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया कॉन्फ़िगर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, अगर आपको पहले से आपने बना रखा है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा बना रखा है, मैंने यहाँ पे NSG के नाम से बनाया था, मैं यहाँ पे NSG ले लेता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। हम यहाँ पे ब्लू डायग्नोस्टिक डिसेबल कर देता हूँ, बाकी सेटिंग डिफॉल्ट ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए रनिंग फाइनल वैलिडेशन, तो यहाँ पे वैलिडेशन पास हो गए, तो जैसे यहाँ पे पास हो जाता है तो उसके बाद में इसको क्रिएट कर सकता हूँ। और देखिए यहाँ पे जो मेरी वर्चुअल मशीन कॉस्ट होगी वो होगी आपकी 0.7 पैसा पर हार का, 1 घंटे के हिसाब से ये आपको इतना चार्ज करेगा। अगर आप 1 घंटे तक ये वर्चुअल मशीन ऑन रखते हो, वर्क करते हो उस पर, तो इतना चार्ज लेगा आपसे वो। ठीक है, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है, राइट साइड कॉर्नर पे आप नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे,
तो देखिए हमारी यहाँ पे वर्चुअल मशीन भी रेडी हो गई है, तो मैं गो टू रिसोर्स पे करता हूँ एक बार, हमारे वर्चुअल मशीन पे चले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियोस में दिखा चुका हूँ आपके जो वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी डिटेल्स आपको चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, आपकी वर्चुअल मशीन की डिटेल्स होती है। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए हमें करना क्या है, हमें मैं एक बार इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हम इसको आरडीपी करते हैं, पब्लिक आईपी को कनेक्ट करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने हमारी जो ये वर्चुअल मशीन क्रिएट की है हमने, उसके पब्लिक आईपी को मैं यहाँ पे आरडीपी के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ, बट मुझे वो एक्सेस नहीं हो रही है। मैंने आरडीपी पोर्ट तो अलाउ किया है, बट मैंने एनएससी जो हमारा था, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो हमारा था, वो मैंने हमारा कस्टम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, जो उसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो उसको हमें अलाउ करवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम आरडीपी इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ नेटवर्किंग में, अगर आप जाते हैं यहाँ पे, इनबाउंड रोल और आउटबाउंड रोल आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ डिनाई दिखा रहा है यहाँ पे, ये आपको ये इंटरनल होते हैं, ये आपका डिनाई है, ये आउटबाउंड है, जो डिफॉल्ट सेटिंग थी वही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपका जो आपने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप लगाया है उसके अंदर आपने ये परमिशंस अलाउ नहीं किए हैं। ठीक है, अब मुझे ये आरडीपी पे एरर दे रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पोर्ट को अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब भी हम किसी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कुछ चेंज करते हैं, मतलब अगर मैं इनबाउंड पोर्ट अलाउ कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिक आउटबाउंड पे भी अलाउ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले इनबाउंड में ऐड करना पड़ेगा फिर वो आपको आउटबाउंड में ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने इनबाउंड में ऐड कर दिया तो वो ऑटोमेटिक आउटबाउंड के अंदर भी आपको अलाउ कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आ गया हूँ, मेरे यहाँ पे मैं इनबाउंड रोल सिक्योरिटी रोल पे जाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे यही रूल्स हैं जो डिफॉल्ट डले हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक आरडीपी को ऐड करना है मुझे, यहाँ पे ऐड रूल पे जाता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ डिफॉल्ट नेटवर्क रख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि मैं एक स्पेसिफिक नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना है, मुझे किसी स्पेसिफिक आईपी के थ्रू एक्सेस करना है या किसी उसके थ्रू करना है। अभी मैं पूरे नेटवर्क पूरे सबके लिए मतलब अलाउ कर रहा हूँ, चाहे वो कहीं से भी हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठा हो, इंटरनेट होना चाहिए उसके पास, वो उस सर्वर को एक्सेस कर पाएगा। तो मतलब मैं सारा ट्रैफिक यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ। एनी सोर्स भी मैंने यहाँ पे एनी रखा है, सोर्स पोर्ट रेंज, सोर्स डेस्टिनी, सब कुछ। पोर्ट रेंज आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आप आरडीपी का पोर्ट रेंज दे सकते हो जो आपको रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या, मैं आरडीपी सेलेक्ट कर देता हूँ, पोर्ट आरडीपी का पोर्ट आपका ये है 3389। ठीक है, बाकी मैं डिफॉल्ट सेटिंग रख रहा हूँ सारी की सारी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अलाउ करना है उसको या डिनाई करना है। डिनाई में तो हमारे ऑलरेडी है सब कुछ, हमें क्या करना है, हमें उसको अलाउ करना है। ठीक है, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद आता है आपका प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी क्या रखना चाहते हो इस रोल की। ठीक है, यहाँ पे ये 100 है, आप इसको 100 से ऊपर कर सकते हो, बढ़ा सकते हो इसको, वो आपकी प्रायोरिटी डिफाइन कर देगा। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना है, किस पर्पज के लिए आपने ये पोर्ट अलाउ किया है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मान लो क्या होता है कि कंपनीज में क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं और वो वेंडर्स को जब उसका एक्सेस दे देते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कि मैंने इस वेंडर को ये एक्सेस दिया हुआ है, इस पर्पज के लिए वो एक्सेस दिया हुआ है, ताकि जब ऑडिट होती है तो ऑडिट के टाइम पे वो चीजें उनको क्लियर हो जाए। ठीक है, और मैं इसको अभी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा पोर्ट 80 ऐड हो गया है, क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैंने ये इनबाउंड में ऐड किया है, तो आपको देखोगे तो आपको ये आउटबाउंड में नहीं दिखाएगा, बट आप जब इसको एक्सेस करोगे तो आपको ये एरर नहीं देगा कुछ। ठीक है, मैं दोबारा कॉपी करता हूँ पब्लिक आईपी को, एक बार वर्चुअल मशीन के अंदर जाता हूँ मैं।
ये मेरी वर्चुअल मशीन है, इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ, आरडीपी पे जाता हूँ, पब्लिक आईपी डालता हूँ मैं यहाँ पे और इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने बाद जो हमने यूजर नेम पासवर्ड डाले थे हम वो यूज करते हैं यहाँ पे स्टडी, जो मैंने पासवर्ड सेट किया था। यस करते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा है हमारी, अभी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब हमने अभी क्या किया है, हमने पोर्ट्स को अलाउ कर दिया है। तो आप इस तरीके से अपनी मशीन के ऊपर, अगर आपने पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के ऊपर लगाना है तो आप वो लगा सकते हो, अगर आपको पूरे सबनेट पे लगाना है तो वो सबनेट पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में मेरा दोस्तों इतना ही था कि हम एक कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप को एक EC2 से एक वर्चुअल मशीन के ऊपर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एक सबनेट के ऊपर, पूरे सबनेट के ऊपर, उसको पूरे सबनेट के ऊपर हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो उस सबनेट को करने के लिए हमें कैसे करना होगा, तो सबनेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उस सबनेट के अंदर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर हम कैसे कैसे सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं, वो सब हम वो करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर लिया है RDP पोर्ट अलाउ करने के बाद, जबकि मैंने सिर्फ इनबाउंड में अलाउ किया था पोर्ट को, आउटबाउंड में मैंने नहीं डाला। तो वो जब हम इनबाउंड में अलाउ करते हैं तो ऑटोमेटिक आउटबाउंड को अलाउ कर देता है, आपको डालने की जरूरत नहीं होती मैनुअली उसके अंदर। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा हमने हमारी प्रैक्टिकल कंप्लीट कर ली है। तो प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद आप अपने जो आपने वर्चुअल मशीन बनाई है, सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हैं, जो भी चीज़ें बनाई है आप वो डिलीट कर दीजिए, ताकि आपको कोई चार्ज ना पे करना पड़े उसके बाद एक्स्ट्रा। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें हम आपको बताएंगे हम सिक्योरिटी एक सबनेट के ऊपर कैसे आप सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे वीडियो में बताऊंगा कि हम अगर हम स्पेसिफिक आईपी या एक स्पेसिफिक नेटवर्क को अलाउ करवाना है एक वर्चुअल मशीन या सबनेट के ऊपर तो वो हम कैसे अलाउ करते हैं। ठीक है, तो आगे की वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं लर्निंग पॉइंट्स के लिए, तो होप आप लोग भी सपोर्ट करेंगे और मैं तो आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और लाइक शेयर कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हो, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है मुझे, तो उम्मीद करता हूँ आप आगे भी मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।